इट्स इम्पेक्टिंग द यूथ, हाउ इट्स इफेक्टिंग द यूथ, तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है। तो मैं बिला तखीर मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अली भाई से कि वो आज किस टॉपिक का बकायदा, आज किस प्रोग्राम का बकायदा आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु एवरीवन। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, और मेरी दरख्वास्त है जो ब्रदर होस्ट हैं कि मुझे को होस्ट बना दें, क्योंकि मैंने स्लाइड शेयर करनी है। तो ये ऑप्शन में जाके एक तो मुझे को होस्ट बना दें ताकि बाकायदा मैं आवाज़ कर। मोहम्मद अली भाई, आपको मैंने होस्ट बना दिया। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको फुल होस्ट बना रहा हूं। जी जी राजना, ताकि आप कंट्रोल कर सके, जस्ट इन केस मेरी आवाज चली स्लाइड्स ना आए तो मुझे काइंडली आप लोग बता दीजिए। और मेरी दरख्वास्त है सबसे कि वो ये माइक्स को म्यूट कर लें, क्योंकि डिस्टरबेंस आती है जब किसी का माइक अनम्यूट होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करना चाहूंगा। मुझे आप लोग बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है कि नहीं हो गई है। जी जी तो आई होप के द स्क्रीन हैज बीन शेयर्ड। जी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी थैंक यू वेरी मच। आगाज करते हैं जी आज के प्रोग्राम का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्लाह के नाम से आगाज़ किया हमने तिलावत कुरान, बहुत ही खूबसूरत वर्सेस का आपने इंतखाब किया, जज़ाकल्लाह खैर। सो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टेक्निकल, बहुत इम्पॉर्टेंट, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो आपने बहुत गौर से फुल अटेंटिवनेस के साथ आज की बात सुननी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हो सकता है कि इस टॉपिक के सुनने के बाद और क्लैरिटी के बाद आपके बहुत से क्वेश्चंस, आपके बहुत से मसले जो है वो हल हो जाए। टॉपिक हमारा आज का है लेफ्ट वर्सेस राइट, हाउ इट्स अफेक्टिंग द यूथ। देखें, पाकिस्तान एक हॉट जोन कंट्री है। सोशियोलॉजी के टर्म्स में कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, हॉट जोन और कोल्ड जोन। इन शॉर्ट, हॉट जोन कंट्री वो होती है जहां पर बहुत सी चीजें चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली, लोगों के मिजाज जो है वो जाहिर है क्योटिक होते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, और सिंस एजेस वो कंट्री बहुत मुश्किलात से गुजर रही होती है। कभी इंटरनल सिक्योरिटी, कभी एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, कभी जाहिर है वॉर ऑन टेरर में हम इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सी चीजें चल रही हैं, गुर्बत चल रही है, करप्शन चल रही है। तो हॉट जोन कंट्री में याद रखें कि मिजाज जो होता है ना लोगों का, वो कोल्ड जोन कंट्री से बहुत मुख्तलिफ होता है। आपको मिसाल देता हूँ, फिनलैंड एक कोल्ड जोन कंट्री है, स्वीडन एक कोल्ड जोन कंट्री है। पाकिस्तानी और फिनलैंड के लोगों में बहुत बहुत क्लियर डिफरेंस होगा मिजाज में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म एक मिजाज पाया जाता है, चाहे वो लिबरल एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हो। हाईली जजमेंटल पीपल हु आर एक्सट्रीमिस्ट, हु आर नॉट इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, हु डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ईच अदर, ये हर मुआशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं। सिमिलरली हमारे मुआशरे में भी हैं। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान इज द कंट्री जहां पर लेफ्ट और राइट सबसे ज्यादा पोलराइज्ड है, वन ऑफ द कंट्रीज, और भी हैं दुनिया में कंट्रीज, इट इज वन ऑफ द कंट्रीज जो एक हाईली पोलराइज्ड सोसाइटी पे मबनी है, हाईली पोलराइज्ड सोसाइटी। और ये चीज बढ़ती जा रही है अनफॉर्चुनेटली, और इसको बढ़ाने वाले, इसको फ्यूल करने वाले, वो खैर उसमें क्या जाना डिटेल में कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस चीज को बढ़ाने में। तो ये गैप बढ़ता ही जा रहा है लेफ्ट वर्सेस राइट, और अब बहुत खुल के जो है ना वो वाजे हो रही है बात के लेफ्टिस्ट क्या चाहते हैं, राइटिस्ट क्या चाहते हैं, और मॉडरेशन की बहुत ज्यादा कमी। वो मॉडरेट यूथ जो एक्चुअली इस्लाम की वैल्यूज को लेके आगे चले और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ आगे चले, टॉलरेंस के साथ आगे चले, उसकी अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बड़ी कमी नजर आ रही है फिलहाल। हैविंग सेड इट, पाकिस्तान में वी नो मेजॉरिटी मुसलमान है, मेजॉरिटी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, मेजॉरिटी दीन की इज्जत करने वाले हैं, मिजाज उनके जैसे भी हो, चाहे वो TLP हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जमात हो जिसको आप लोग कहें कि एक्सट्रीमिस्ट हैं या बहुत ज़्यादा जीलेट्स हैं, जीलेट्स से मुराद है कि ओवर पैशनेट या एक्सट्रीमिज्म वाली मैंटेलिटी रखने वाले, वट एवर,
लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन ऐसी है जो दीन से मोहब्बत ही करने वाले हैं। और एक्सट्रीमिज्म एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, इसमें कोई शक की दूसरी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और शक की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि रिलीजियस लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं या रिलीजन में ही एक्सट्रीमिज्म पाया जाता है रिलीजियस लोगों में, ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे और मबनी बात है। मुझे 13 साल हो गए हैं यूथ क्लब के प्लेटफॉर्म से बात करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रन करते हुए, और ओवर दीज 13 ईयर 2008 से लेके अब तक मैंने सैकड़ों लेफ्टिस्ट और अपने लिबरल दोस्तों से, अपने एथियस्ट दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात की है, डिबेट्स की हैं, हम कैफेज में बैठे हैं, हम एक्टर्स से मिले हैं, हम गवर्नमेंट में बैठे लोगों से मिले हैं, हम यूनिवर्सिटी एकेडेमिया से मिले हैं, हम रैलीज में गए हैं कम्युनिस्ट की, हमने बातें की हैं इनके बड़ों से जाके, अभी मैं लेफ्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये कहना कि सिर्फ रिलीजियस लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये गलत बात है। दोनों साइड पे एक्सट्रीमिज्म मौजूद है और दोनों ही साइड पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। ये पहली बात है जो आपको समझनी चाहिए। इस एक्सट्रीम पोलराइजेशन की क्या वजह है, वो वजूहात में इंशाल्लाह मैं थोड़ा बहुत जाऊंगा। सबसे पहले ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, मैट्रिक्स मूवी, एक बड़ी मशहूर मूवी आप सबने शायद देखी हो, मैंने तो बहुत पहले देखी थी खैर, जब मैं यंगस्टर था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, तो उस मूवी में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि द रेड पिल एंड द ब्लू पिल, ये जो न्यू उसमें जो हीरो होता है जिसको सेलेक्ट किया जाता है मैट्रिक्स के लिए, इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। मॉर्फियस जो इसका मेंटोर होता है, जो इसको सेलेक्ट कर रहा होता है, वो इसको दो पिल्स प्रेजेंट करता है, एक ब्लू पिल और एक रेड पिल, और वो इसको चॉइस देता है। वो इसको कहता है कि ब्लू पिल लोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा एंड यू विल एंड अप वेकिंग अप इन योर अपार्टमेंट, तुम्हारी आंख तुम्हारे अपार्टमेंट में खुलेगी, हर चीज वैसे चलेगी जैसे चल रही है, तुम जॉब करते रहोगे, सिस्टम वैसे रन होता रहेगा, तुम खाओ पियो ऐश करो जो कर रहे हो वैसे करते रहो, एंड लेकिन ऐसी तलक हकीकतों से तुम्हारी नजरों पे पर्दा पड़ जाएगा जो असल में ओवरऑल हमारे सिस्टम को हर्ट कर रही है। दूसरी पिल प्रेजेंट की रेड पिल के ये लोगे तो तुम्हारे आंखों के सामने से पर्दे हट जाएंगे, तुम्हें हर चीज क्लियर नजर आने लगेगी, तुम्हें सिस्टम नजर आने लगेगा कि रन कैसे कर रहा है, लोगों को डिसीव कैसे किया जा रहा है, और असल में मशीन्स किस तरह हम पे हावी होनी चाहती हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, ब्लू पिल ले लो, वही हैप्पी गो लकी लाइफ गुजारो, किसी की केयर ना करो, खाओ पियो ऐश करो, खाले पीले जीले और मन की मान वाली जिंदगी जियो। दूसरी तरफ रेड पिल लोगे तो आंखें खुल जाएंगी, रेड पिल लोगे तो तुम्हारे सामने पर्दे हट जाएंगे, तो अलग हकीकतें नजर आने लगेंगी, तुम्हें ये नजर आने लगेगा कि हमें डिसीव कैसे किया जा रहा है, तो अब चॉइस तुम्हारी है। तो गेस व्हाट, नियो मेक्स अ चॉइस एट दैट मोमेंट कि ही टेक्स द रेड पिल। मैं आपको ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक कुरान और हदीस इज द रेड पिल। मेरे नजदीक ये एक मिसाल मैंने इसलिए दिया, हमें रियलिटी कभी कभी जानना पसंद नहीं होती है, हम रियलिटी से दूर भागते हैं, हम जिंदगी के मकसद को जानना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हम यही जिंदगी का मकसद समझ बैठे हैं कि बस पढ़ना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं विदाउट एनी पर्पस, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जिंदगी इंजॉय करनी है, मर जाना है, उसके बाद जो है वो औलाद को अपने पैसे ट्रांसफर कर देने। इस वक्त हमारी सोसाइटी सारी की सारी, अगर सारी की सारी नहीं तो 80-90% इसी आइडियोलॉजी पे जिंदगी गुजार रही है। ये तो है ब्लू पिल। रेड पिल क्या है कि असल में जिंदगी का मकसद क्या है, अकाउंटेबिलिटी, आखरत का कॉन्सेप्ट, हेयर आफ्टर, अल्लाह ताला अकाउंटेबल करेगा तुम्हें, एक और जिंदगी एग्जिस्ट करती है, इस वक्त दुनिया किस सिस्टम पे चल रही है, क्या हम सब डिसीव्ड हैं, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, इस वक्त जो तहजीब सिविलाइजेशन हम पे मुसल्लत है क्या वो हमारे फायदे की बात कर रही है, क्या वो हमारे साथ मुखलिस है, वगैरह वगैरह बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इंशाल्लाह वी हैव टू टेक द रेड पिल, जो कि चले अगर आप ये कहें कि रिलीजन को आप रेड पिल क्यों कह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि रेड पिल एक रियलिटी चेक है, तो हम जरा रियलिटी चेक लेते हैं जिसमें दीन को भी शामिल करेंगे और ओवरऑल भी रियलिटी चेक लेंगे। आज का जो टॉपिक लेफ्ट वर्सेस राइट, उसकी एक मैं हिस्ट्री बताना पसंद करूंगा कि सबसे पहले लेफ्ट वर्सेस राइट का मतलब क्या है।
देखें, पॉलिटिकल फिलोसफीज में दो विंग्स हैं, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। इसकी हिस्ट्री ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये ज़रूरत पेश आई कि ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लॉयटेशन से, बिगोट्री से और ऐसी चीज़ों से जो प्रोग्रेस के रास्ते में रुकावट हैं और ह्यूमन बीइंग्स की प्रोग्रेस में एक जाहिर है बहुत मुश्किलात खड़ी कर रही हैं वो चीज़ें, उनको चैलेंज किया जाए, उनको काउंटर किया जाए, गुर्बत का खात्मा किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन का खात्मा किया जाए और ये जो किंगशिप है इससे निजात हासिल की जाए और डेमोक्रेसी की तरफ आया जाए या कम्युनिज्म की तरफ आया जाए या सोशलिज्म की तरफ आया जाए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो वगैरह वगैरह। बहुत सी वजूहत थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये दो नाम आए पॉलिटिकल फिलोसफीज के, लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। ये दो किस्म के लोग हैं पॉलिटिक्स में। लेफ्ट विंग इन शॉर्ट कौन थे? ये वो थे जो कम्युनिज्म के और सोशलिज्म के कायल हैं और पब्लिक इकोनॉमिक ओनरशिप एंड इक्वालिटी के कायल हैं। ये बेसिकली लेफ्ट विंग है जो लिबरलिज्म का भी कायल है, प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म का भी कायल है, जो ह्यूमनिज्म का भी कायल है, जो मजहब की हैसियत सिर्फ इतना समझता है कि मजहब एक पर्सनल अमल है, घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, चर्च में जाओ, सिनोगॉग में जाओ, मंदिर में जाओ, सजदे करो अपने खुदा को, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मजहब को पार्लियामेंट में लेकर नहीं आना, मजहब को प्राइवेट लाइफ से निकाल कर पब्लिक लाइफ में लेकर नहीं आना। इन शॉर्ट ये लेफ्ट विंग है। राइट विंग जो है उसको उन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट इकोनॉमिक ओनरशिप एंड हायरार्की, यानी राइट विंग वाले वो लोग हैं जो प्राइवेट ओनरशिप और इकोनॉमिक हायरार्की के कायल हैं, यानी कि ये लोग जैसे किंग्स दौलत जमा करते रहते थे ना और उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि आप दौलत कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आप टैक्सेस क्यों ले रहे हैं लोगों से, और किंगशिप इसी तरह ट्रांसफर होती थी कि आप आगे अपने बच्चों को ही ट्रांसफर किए जाओ, और पब्लिक में से कोई भी आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट में आने का। तो ये राइट विंग उन्होंने इसकी तारीफ इस तरह से की कि कंजर्वेटिव होते हैं, ये चर्च के मुताबिक चलते हैं क्योंकि इस्लाम तो उनके पास था नहीं, ठीक है ना, फ्रांस के पास कौन सा इस्लाम था, फ्रांस के पास तो क्रिश्चियनिटी थी। तो ये क्रिश्चियनिटी के जो उन्होंने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे मजहब के और जो नफरत देखी मजहब की फैलाई हुई नफरत और फिर जो जंगें देखी मजहब से अराइज होती हुई, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स की एक जंग देखी उन्होंने, फिर चाल्सेडोनियन क्रिश्चियन जो कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन होते थे, क्रिश्चियनिटी में बहुत से सेक्ट्स बने, फिर पोप करप्शन उन्होंने कि किस तरह किंग पोप को अपना राइट हैंड बना लेता है और अपनी किंगशिप को डिवाइन प्रूव कर देता है कि ये खुदा की तरफ से किंग है, ये जीसस की तरफ से किंग है, ताकि किंग को कोई चैलेंज भी ना कर सके और किंग को कोई क्वेश्चन भी ना कर सके और किंग पैसा कमाई जाए, अमीर हो जाए, अपनी सल्तनत बढ़ाई जाए और लोगों पर जुल्म किए जाए। तो इस सारी चीज से वेस्ट में मजहब के खिलाफ एक नफरत फैलना शुरू हुई। अब मसला क्या है हम पाकिस्तानियों का, हमारे सारे लिबरल्स और हमारे सारे लेफ्टिस्ट किन की किताबें पढ़ते हैं? वेस्टर्न थिंकर्स की। वेस्टर्न थिंकर्स किससे मुतनफर है? मजहब से। किस मजहब से? क्रिश्चियनिटी से। क्यों मुतनफर है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने उन्हें दिया कुछ नहीं, क्रिश्चियनिटी में कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, क्रिश्चियनिटी में ये नमाज, रोजा, हज, जक़ात, इस्लाम तो बाद में मैं बात करता हूँ ना, इस्लाम से तो कंपेयर ही ना करें। क्रिश्चियनिटी ने एक मजहका खेज उन्हें अकायद दिए कि हम सारे गुनाहगार थे, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया, फल खा के उस गुनाह की जो है वो खुमियाजा भुगतने, उसका कफारा देने खुदा खुद आया, अपने आप को सूली पे चढ़ाया और नाउ वी आर ऑल फॉरगिवन, इसलिए तुम सिर्फ चर्च आओ संडे के संडे और चर्च में आके जाहिर है पादरी के सामने अपने गुनाहों की का इकरार करो। देखें किसी ना किसी हद तक जब तक वेस्ट में कुछ मजहबी एक रुझान था तो एटलीस्ट हमें इतना नजर आता था कि गॉड का कोई कॉन्सेप्ट था। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि पुराने क्रिश्चियंस खाना खाने से पहले सारे बैठते थे, बैठकर एक प्रेयर कहते थे और प्रेयर के बाद आमीन कहते थे और वो प्रेयर में वो गॉड का शुक्रिया करते थे, दे वर ग्रेटफुल टू गॉड, यानी किसी ना किसी हद तक रिलीजन उनकी सोसाइटी में था। अब अल्लाह माफ करे आजकल की मूवीज में क्या दिखाया जाता है, टीवी सीरीज में क्या दिखाया जाता है कि रिलीजियस लोग सारे डंब है,
रिलीजियस लोग सारे फारिग हैं, ये साइंस के खिलाफ होते हैं, तरक्की के खिलाफ होते हैं, किताबों में साइंटिफिक एरर्स हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो सारी जो टीवी सीरीज बन रही हैं और वो सारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो किससे मुतनफर होके चीजें बना रहे हैं? क्रिश्चियनिटी से. ओके, क्रिश्चियनिटी से वो क्यों मुतनफर हुए? क्योंकि बाइबल वर्सेस साइंस ये एक पूरी जंग चली, रिलीजन वर्सेस साइंस वेस्ट में, कि बाइबल कुछ कह रही है, तुम्हारी साइंस साइंटिफिक रिसर्च कुछ कह रही है, तो ये तो क्लैश आ रहा है. तो लिहाजा साइंस गलत है, साइंटिस्ट गलत हैं, ये चुड़ैलें होती हैं, विचेज होती हैं, जादूगर होते हैं साइंटिस्ट, और ये शैतान के वर्शिपर्स हैं. इस तरह की बातें करने लगे पादरी और पोप वगैरह. इस चीज से मुतनफर होके वेस्ट सेकुलरिज्म की तरफ गया, लिबरलिज्म की तरफ गया और लेफ्टिस्ट पावर में आए. ये सारी हिस्ट्री आपको पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं हमारे पाकिस्तानी लिबरल्स और लेफ्टिस्ट कि वो वहां का मवाद उठा के, वहां का काउंटर नैरेटिव उठा के मजहब के खिलाफ हम पर भी थोपते हैं और इस्लाम पर भी थोपते हैं. ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं एक दूर दराज के इलाके में रह रहा हूँ और वहां पर मेरे घर में कोई मसला हुआ मेरे किसी भाई की वजह से, और मैं उस भाई का सारा नैरेटिव उठा के और उसके सारे मसले उठा के कोसों दूर, मीलों दूर एक और बंदा है जो एक और घर में रह रहा है, उसे कहूं कि तेरा भाई भी ऐसा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन की है, मुझे कुछ दिया नहीं है, रिलीजन जो है वो लड़वाता है, रिलीजन जो है वो उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है वगैरह वगैरह, तो मैं यही बातें उस पर भी थोपूं कोसों मील दूर जो बैठा हुआ है कि लिहाजा तेरा भाई भी ऐसा, विदाउट एक्चुअली सीइंग कि उसका भाई कहता क्या. ये एक बहुत बड़ा मसला है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, और इसको आपको समझना है कि इस वजह से हमारे माशरे में एक बहुत जंग है, आइडियोलॉजीज की जंग है, लेफ्ट वर्सेस राइट हमारे माशरे में. मैंने आपको लेफ्ट वर्सेस राइट की असल डेफिनेशन यहाँ बताई है, लेकिन हमारे माशरे में लेफ्ट वर्सेस राइट का सिंपल मतलब क्या है? लेफ्टिस्ट सेकुलर एथियस्ट लिबरल एग्नोस्टिक हैं, और राइटिस्ट जो है ये सिंपल जीलेट्स हैं, इमोशनल लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, ये पागल होते हैं, इनका साइंस में कोई बिलीफ नहीं है वगैरह वगैरह. ये हमारे माशरे में जो एक एक्सट्रीमिस्ट इंप्रेशन बना लेफ्ट और राइट का, कि लेफ्ट बिल्कुल फारिग है, ये तो वैसे ही नफरत करते हैं अल्लाह रसूल से, और जो राइट है ये बिल्कुल इलॉजिकल लोग हैं और ये बिल्कुल इमोशनल लोग हैं और इनको साइंस का पता भी नहीं है, टका भी नहीं पता है. ये जो जंग चल रही है इस वक्त, आइडियोलॉजिकल एक जंग चल रही है हमारे माशरे में, इसका यूथ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मैं भी ए लेवल ओ लेवल करके आया हूँ, मैं जीकी से पढ़ा हूँ जो पाकिस्तान की माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मैं लम्स सेमिनार्स अटेंड करने गया हूँ, मैं बीएनयू गया हूँ, मैंने खुद लेक्चर्स दिए, खुद सेमिनार्स अटेंड करवाए हैं. इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारा जाना होता है, हमें पता है कि एकेडेमिया में दोनों किस्म के लोग हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल्स भी हैं और दूसरी साइड पे राइट के लोग हैं. हमें पता है कि प्रोग्रेसिव लिबरल्स का क्या नैरेटिव है, वो कहाँ से आते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो सारा वो वेस्ट का नैरेटिव उठाकर हमें भी बताना चाहते हैं कि सेकुलरिज्म इज द सोल्यूशन, लिबरलिज्म इज द सोल्यूशन, रिलीजन सिर्फ लोगों को लड़वाता है एंड ब्ला 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 वगैरह वगैरह जो भी है. इसलिए जो मिक्स्ड ऑफ फैकल्टी हमारी यूनिवर्सिटीज में है, तो यूथ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है? यूथ कंफ्यूज हो रही है, यूथ मार्जिनल मैन बन गई है. मार्जिनल मैन सोशियोलॉजी की एक टर्म है. मार्जिनल मैन एक ऐसा इंसान होता है जो इन बिटवीन हैंग कर रहा होता है, हु इज हैंगिंग इन बिटवीन, राइट साइड और लेफ्ट साइड के इन बिटवीन एक मार्जिनल मैन है जो कभी राइट की तरफ चला जाता है, कभी लेफ्ट की तरफ चला जाता है, वो कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या. और इस कंफ्यूजन की बहुत बड़ी वजह है कि हम नॉलेज हासिल नहीं करते. हमारा मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम मीम्स, फ्रॉम टीवी चैनल्स, फ्रॉम टीवी सीरीज, फ्रॉम मूवीज, फ्रॉम रैंडम क्लिप्स ऑन फेसबुक, आते जाते हैं फेसबुक पे क्लिप्स देते हैं, या एक हमारा प्रोफेसर या हमारा टीचर जिससे हम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसकी बातें हमें अट्रैक्ट करने लगती हैं वगैरह वगैरह. ये चीजें सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज नहीं हो सकती. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं गो टू द बुक. रिलीजन को पढ़ना है तो गो टू द बुक, गो टू द कुरान, गो टू द हदीस, रीड इट योर सेल्फ. लेफ्टिस्ट को पढ़ना है तो गो टू देयर बाइबल, जो उनकी बुक्स हैं, जो उनके अकाबरीन हैं, उनके व्यूज जाकर पढ़ें. उनके व्यूज क्या हैं, वो कौन लोग थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, वो जाके पढ़ें. तो इसका हल मैंने आपको बता दिया है कि पहली तो बात मार्जिनल मैन है, दूसरी बात
हमारी यूथ बहुत तेजी से आई शुड से लिबरल होती जा रही है इन 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 द सेंस कि बहुत तेजी से हमारे मुआशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट और क्रिटिकल एनालिसिस को प्रमोट किया जा रहा है, और इस सेंस में प्रमोट किया जा रहा है कि हर चीज पे सवाल उठाओ, हर चीज को चैलेंज करो और अपने राइट्स के बारे में जानो। ये एक हद तक तो अच्छी चीज है, इस्लाम ने भी इसी को इनकरेज किया, फ्री इंक्वायरी को इनकरेज किया, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनकरेज किया, लेकिन एवरीथिंग हैज अ लिमिट के कहां तक करना है, ये एक सवाल उठता है। बहरहाल चूंकि इतनी तेजी से ये चीज राइज है तो अब लोग रिलीजन को इतनी फोकियत नहीं देते बल्कि अपनी पर्सनल अकल को फोकियत देते हैं कि जो चीज मेरी अकल को नहीं लग रही, जिसको हम रिलेटिव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ओके, रिलेटिव रिलेटिविज्म को भी कहते हैं, मॉरल रिलेटिविज्म इसको कहते हैं फिलोसफी में, फिलोसफी के सब्जेक्ट में, कि एवरीथिंग इज रिलेटिव, जो मुझे पसंद है वो ठीक है, जो मुझे बुरा लगता है वो बुरा है, रिलीजन को साइड पे करो, हलाल हराम के कॉन्सेप्ट को साइड पे करो, जो चीज किसी का एविडेंटली नुकसान नहीं हो रहा वो चीज ठीक है, ओके। तो ये जो इस वक्त सोच हमारे अंदर पाई जा रही है, बहुत तेजी से हम इस तरफ जा रहे हैं और हम रिलीजन को आउटडेटेड समझने लगे हैं, हम में से बहुत एजुकेटेड जो हमारी क्लास है, एंड दे बिलीव के रिलीजन डज नॉट होल्ड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, ये सारा मैंने बैकग्राउंड आपको जो दिया, इससे मैं आता हूँ अगेन वेस्ट की तरफ क्विकली। 15th century में रेनेसेंस की मूवमेंट चली, फिर मॉडर्निटी की तरफ आए, फिर एज ऑफ रीजन थी 17th century, और फिर 18th century में एनलाइटनमेंट की तरफ हुआ। ये सारी मूवमेंट चलने की वजह वही थी कि वो चर्च से मुतनफर थे, वो पोप से मुतनफर थे, किंग से मुतनफर थे, साइंटिस्ट पैदा हो रहे थे, क्रिश्चियन साइंटिस्ट को लिटरली कत्ल कर रहे थे, जाकर हिस्ट्री पढ़ लें, वो साइंटिस्ट को डिग्रेड करते थे और साइंस को नापसंद फरमाते थे, जिसकी वजह से नफरत बढ़ती गई, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो राइज थी वहां पर, बिगोट्री वहां पे राइज थी, जात पात का सिस्टम वहां राइज था, रेसिज्म वहां एक्सट्रीम पे था, ब्लैक्स के साथ क्या किया है वेस्ट ने, गोरों ने, वाइट सुप्रीमिस्ट ने, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस पर सैकड़ों मूवियां बनाई है हॉलीवुड ने खुद। तो ये सब कुछ जब चल रहा था तो उन्होंने ब्लेम मजहब को किया। अब जो मॉडर्न फिलोसफीज आई उसके जवाब में, उसके काउंटर में रेनेसेंस के दौरान, जिसको एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये सोल्यूशन है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने के लिए, वो ह्यूमनिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, लिबरलिज्म है, साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म है, नेचुरलिज्म है, रिलेटिविज्म है, और फेमिनिज्म अभी सबसे लेटेस्ट मूवमेंट है पोस्ट मॉडर्न एरा की, ओके। ये सारी चीजों की वजह अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मजहब को ब्लेम किया, ये सारे लेफ्टिस्ट फिलोसफी में आपको समझा रहा हूँ कि असल में किस तरह वो यहां तक आए। अब जो करंट मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसपे हम, जो हम पे मुसल्लत है, जिसमें हम सब सांस ले रहे हैं, वो क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज राइट, मटीरियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इनकी डिटेल में अभी जाने का वक्त नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट दिस इज द पिलर्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन। मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन पिलर्स पे खड़ी हुई है। इनके मुतरादिफ इस्लाम के जो पिलर्स हैं वो तौहीद है, स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ की बजाय कलेक्टिविज्म है, कैपिटलिज्म की बजाय ज़कात का सिस्टम है, सदकात और खैरात का सिस्टम है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, सेकुलरिज्म की जगह खिलाफत का सिस्टम इस्लाम ने दिया, खलीफा का सिस्टम दिया है, और ज़ाहिर है इस्लामी शरिया का सिस्टम दिया। तो बहुत ज्यादा हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक डिफरेंस पाया जाता है हमारे पिलर्स में। हर तहजीब किसी पिलर्स में पे खड़ी होती है, ओके। तो ये पिलर्स का डिफरेंस भी समझना बहुत जरूरी है। अब चूंकि उनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चल रहा है, इसलिए ये चीज उनके एजुकेशन सिस्टम से भी झलकेगी, क्योंकि उनके ये बिलीव्स हैं, दे हैव द राइट टू हैव देयर बिलीफ, और जब वो पावर में होंगे तो वो यही चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी देंगे, ये तो रूल है। क्या हम जब पावर में आएंगे तो हम इस्लाम नहीं देंगे वेस्ट को? हम बिल्कुल देंगे। इसी तरह इस वक्त वो पावर में है तो वो ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट पावर। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं उनकी चीजों में, और अब हमें अपने अंदर भी नजर आने लगी हैं। हमारी सोसाइटी बहुत तेजी के साथ मटीरियलिज्म का शिकार हो रही है। मटीरियल होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात वही है कि इस्लाम ने अल हाकमुत तकासुर इस बात को कंडेम किया कि मटीरियल ही मटीरियल रहना
और स्पिरिचुअलिटी का कुछ ना सोचना और पाइल अप करता करते रहना, मटेरियल चीजों को पाइल अप करते रहना। बाय द वे, वेस्ट ने डिप्रेशन का मजा चख लिया और अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। आप टेड की वीडियोस, अगर आप टेड को फॉलो करते हैं तो आजकल वेस्ट में स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा बात हो रही है और रिलीजन का टॉपिक फिर से खोल दिया उन्होंने। इवन बिल गेट्स और ये आपका जेफ बोसन और एलन मस्क, शायद आप लोगों के इल्म में है कि नहीं, ये दलाई लामा के स्टूडेंट्स हैं। दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट का, नेपाल में। दलाई लामा के सारे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन सर्च इट आउट, क्योंकि इवन दे नो के मटीरियलिज्म इज नॉट द आंसर। और बिल गेट्स तो ये बाकायदा विल उसने लिखी थी बैठ के दलाई लामा के साथ कि मैं अपनी 50% वेल्थ जो है वो देकर जाऊंगा चैरिटी में। एंड सेम गोज फॉर जेफ बोसन। तो इवन दे नो के व्हाट इज द आंसर। बहरहाल इसकी तरफ हम आते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत तेजी से स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रही है। ये क्विकली एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी से मुतनफर होने की वजह उनके लिबरल क्लास की ये थी कि जो गॉड का कॉन्सेप्ट उन्हें क्रिश्चियनिटी और बाइबल में नजर आया वो बहुत मजाका खेज था। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी गॉड लाइज, मैंने रेफरेंस के साथ बात की, गॉड को रेस्ट करना पड़ता है। गॉड ने दुनिया बनाई, कायनात बनाई, उसके लिए उसके बाद उसने रेस्ट किया। इसका मतलब गॉड इज लाइक ह्यूमन बींग्स, गॉड गेट्स ड्रंक, गॉड रिपेंट्स। खुदा ने इंसानों को बनाया, उसके बाद पछतावे में खुद ही तौबा की कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इंसानों को क्यों बनाया, ये बाइबल की आया है। गॉड डज रेस्लिंग एंड लूजेस द मैच, बुक ऑफ जेनेसिस, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, अगर आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आयतल कुर्सी से कंपेयर कर लें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद तो दूर की बात, अल्लाह को ऊंग भी नहीं आती। ये सिर्फ आयतल कुर्सी से कंपेयर कर लें इस सारे कॉन्सेप्ट को, तो आपको पता लग जाएगा गॉड है कौन। अब करंट सिचुएशन क्या है कि वेस्ट ने भी डिप्रेशन का मजा चखा है और हमने भी चखा है, सीधी सी बात है। फॉर वट एवर रीजन, बहुत सी रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हो सकती हैं, पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं, सोशल कॉजेज हो सकती हैं, डिवोर्सेज हो सकती हैं, बहरहाल जो भी है, डिप्रेशन का मजा इस वक्त सब चख रहे हैं। तो क्या लेफ्टिस्ट ने 100% सोल्यूशन दे दिया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विल ड्यूरेंट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर है, अमेरिकन फिलोसफर है, उसका मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। सो आई शुड से दैट सिविलाइजेशंस बिगिन विद रिलीजन एंड स्टोइसिज्म। उसने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि तहजीब मजहब से और डिसिप्लिन से, स्टोइसिसिज्म जो है ना, ये कह लें जैसे सूफिज्म में एक कॉन्सेप्ट है ना जोहद का, और जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट है तज़किया नफ्स का, वो बेसिकली इन शॉर्ट स्टोइसिसिज्म है। दे एंड विद स्केप्टिसिज्म एंड अनबिलीफ। और सिविलाइजेशंस खत्म होती हैं जब वो बहुत ज्यादा स्केप्टिक हो जाती हैं और अनबिलीफ की तरफ चली जाती हैं, एंड दी अनडिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ इंडिविजुअल प्लेजर। और जब वो इंडिविजुअल प्लेजर को खुदा बनाते हुए अनडिसिप्लिन्ड परसूट करती हैं, अ सिविलाइजेशन इज बॉर्न स्टोइक एंड डाइज एपिक्यूरियन। विल ड्यूरेंट, सर्च हिम आउट गूगल पे, ये कौन है, अमेरिकन फिलोसफर है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट है एकेडेमिया में। इसका कोट हमें क्या बता रहा है कि जब इंसान मटीरियलिज्म की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है, इंडिविजुअल प्लेजर की दौड़ में इतना आगे निकल जाता है कि वो अपनी रूह को भूल जाता है, तो दैट इज व्हेन सिविलाइजेशन स्टार्ट टू डिटीरियोरेट। और यही तारीख हमें बताती है कि जो भी तहजीब सिर्फ सेल्फिश और सेल्फ एब्जॉर्ब मोटिव्स पे चली है, वो तहजीब बर्बाद हुई है। फिर इसका कोट मुझे बहुत पसंद है जिम कैरी का, और ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो स्पिरिचुअलिटी की बड़ी बात करता है। I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamt of, so that they know that it's not the answer. ये कौन कह रहा है? Jim Carrey कह रहा है, जिसके पास इस वक्त इसकी कितनी worth है? You can search it out. Keanu Reeves का quote: I always felt like I'm not from this generation. I just live in it because the way my mindset differs from the majority, you'd think I come from a different dimension. That's why I keep things to myself because a lot of people won't understand me. This person is known to be living a secluded life. इसकी जरा आप लाइफ स्टडी करें, ये स्पिरिचुअलिटी का कायल है, इसको नेचर बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहता है कि हम सब आर्टिफिशियल बन गए, हमारे सारे जो रवैये हैं वो आर्टिफिशियल है, कैपिटलिज्म की वजह से हम लोग लिटरली दरिंदे बन गए और इंसानियत से हम बहुत दूर चले गए। बहरहाल तो इसलिए कहता है कि मैं तो रिलेट नहीं कर पाता इस जनरेशन से। देन
एक और मैं आपको विल ड्यूरेंट का कोट सुनाता हूं. ही सेड द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, नॉट इवन द ईस्ट वर्सेस द वेस्ट, इट इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड. दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन. खुदा के बगैर जी सकते हो? रिलीजन के बगैर जी सकते हो? जी कर दिखाओ. लेट्स गो, लेट्स डू इट. आओ, खुदा को निकालते हैं, इस्लाम को निकालते हैं, स्पिरिचुअलिटी को निकालते हैं अपनी जिंदगियों से और जी कर दिखाते हैं. लेट्स सी वेयर इट गोज. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके, फिर ये जो शिफ्ट है ना, लेफ्टिस्ट वर्सेस राइटिस्ट, इस वक्त जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, राइटिस्ट टॉक अबाउट गॉड, दे टॉक अबाउट सोल, दे टॉक अबाउट द हेयर आफ्टर. लेफ्टिस्ट, देयर होल फोकस इज नॉट गॉड बट द यूनिवर्स. दे थिंक दैट यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, जाहिर है कि एवोल्यूशन से, और यूनिवर्स हमारे लिए गिफ्ट है और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें साइंस में आगे बढ़ता जाने वगैरह वगैरह. सोल की बजाय सारा फोकस है बॉडी. सोल के इनकार करने वाले हैं, क्योंकि साइंस में जब सोल नहीं है तो फिर हम क्यों माने सोल को. हेयर आफ्टर किसने देखी है? क्यामत पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी. कौन जो है वो, हम जब मिट्टी हो जाएंगे, हम जब बोन्स हो जाएंगे, कौन हमें उठाएगा? ये सारी अफसानवी बातें हैं, ये मजहबी किताबों में पता नहीं किसने लिख दी है. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया तो हमारे सामने है ना, तो दुनिया की बात करते हैं. दुनिया में सबसे मैक्सिमम प्लेजर हमने कैसे लेना. हेडोनिज्म का जो एक फिलोसफी का एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, हेडोनिज्म स्कूल ऑफ थॉट, हेडोनिज्म वाली जो हैप्पीनेस है वो हमें चाहिए कि प्लेजर को मैक्सिमाइज करो और सफरिंग को मिनिमाइज करो. ये बेसिकली वेस्टर्न आइडियोलॉजी से हमें जिंदगी का मकसद मिलता है कि प्लेजर को मैक्सिमाइज कैसे करना है. फरारी खरीद के, बीएमडब्ल्यू खरीद के, बहुत से पैसे कमा के, पैसों होल्डिंग ऑफ वेल्थ करके, और जाहिर है कि अपार्टमेंट्स खरीद के, और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के, वगैरह वगैरह. जितना आप प्लेजर को मैक्सिमाइज कर सकते हो करो, थ्रू म्यूजिक, थ्रू ड्रग्स, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, यू नो, बाय पार्टिंग, बाय इंडल्जिंग इन एवरीथिंग यू वॉन्ट. तो ये जो वर्ल्ड का शिफ्ट है ना, इस चीज ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रहा है. एक बैलेंस जो है ना, ये बीच की जो सिचुएशन है ना, बैलेंस वाली, वो उसकी कमी है. जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार. ऐ अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की बेस्ट चीजें दे. तो ये सारी जो मैंने तमहीद मान दी, कि मैंने आपको जिम कैरी का कोट सुनाया, विल ड्यूरेंट का कोट सुनाया, कियानो रीव्स का कोट सुनाया, ये इसलिए क्योंकि अगर कोई ये क्लेम करता है कि लेफ्टिस्ट ने भी आंसर दे दिया है, तो आंसर तो नहीं दिया. वेस्ट भी बहुत से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, चैलेंजेस तो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है. क्या कम्युनिज्म इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन? क्या साइंस इज द ओनली वे टू ट्रूथ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. साइंस तो एवर प्रोग्रेसिव है. साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. अभी मैं आपके सामने क्वांटम मैकेनिक्स खोल दूं, आप में से आधों को तो समझ ही नहीं आएगी मैं बात क्या कर रहा हूं. स्ट्रिंग थ्योरी की और एंटी मैटर की और डार्क एनर्जी की और हिग्स बोसन पार्टिकल की, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं. अभी मैं आपके सामने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की साइंस खोल दूं कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिनो क्या होता है, एंटी मैटर क्या होता है, क्वार्क्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, आप लोग हैरान हो जाएंगे बातें क्या हो रही. साइंस तो इतना प्रोग्रेस कर रही है. क्वांटम मैकेनिक्स ने तो हर चीज को चैलेंज कर दिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही गलत है रदरफोर्ड का. स्ट्रिंग थ्योरी ने इस चीज को चैलेंज कर दिया. तो साइंस तो पलटा खाती है, साइंस तो प्रोग्रेस करती रहती है. आप क्या समझते हैं कि साइंस ने इस वक्त हमें अल्टीमेट ट्रूथ बता दिया? साइंस ने हमें बता दिया कि कायनात में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. एवरीथिंग इज टोल्ड टू अस. जब एवरीथिंग इज नॉट टोल्ड टू अस और साइंस प्रोग्रेस कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो किस बेसिस पे और एरोगेंस पे बरज़ख का इनकार है, जिन्नों का इनकार है, एंजल्स का इनकार है, खुदा के वजूद का इनकार है, जन्नत दोजख का इनकार है, किस बेसिस पे? जबकि अभी आप 11th डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, अभी आप वॉर्म होल्स और पोर्टल्स के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, अभी मिलियन ऑफ ईयर्स बाद आप ब्लैक होल को दरियाफ्त किए. जब से ह्यूमन बींग्स आए, मिलियन ऑफ ईयर्स तो हमें हो गए. मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद आप ब्लैक होल तक पहुंचते हैं, और अब ब्लैक होल पे थ्योरी आ रही है कि क्या ब्लैक होल के अंदर एक और यूनिवर्स है, क्या ब्लैक होल एक वॉर्म होल है, एक गेटवे है टू अनदर डायमेंशन. मतलब साइंस तो क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करती है ना. साइंस का काम है क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करना, और साइंटिस्ट का काम है उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना और साबित करना. ये कौन सी एरोगेंस है कि खुदा भी नहीं है, मजहब भी नहीं है, सोल भी नहीं है,
बरजख को भी मैं नहीं मानता, मैं कब्र को भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता डे ऑफ जजमेंट आएगा, मैं ये भी नहीं मानता कि अल्लाह ताला दोबारा रेस करेगा। आपको साइंस पता कितनी है जिसकी बेसिस पे आप ये सारी चीजों को चैलेंज कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस होता है, मैं अक्सर मजाक से कहता हूँ मेरी गैदरिंग्स में, जाहिर है कि बहुत से लोग माशाल्लाह हमारी गैदरिंग्स में आते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होते हैं, कुछ फुल ऑफ एरोगेंस होते हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो वो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत नॉलेज है। तो मैं उनसे सिर्फ साइंस की डेफिनेशन पूछ लूँ तो उन्हें साइंस की डेफिनेशन सही से बतानी नहीं आती है, और वो हमें कहते हैं कि आपको साइंस कुछ नहीं पता है। तो मैं उन्हें क्वेश्चन करता हूँ कि एक बार अपना क्वेश्चन रिविजिट कर लें, आपने बी कॉम किया हुआ है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप ये ना कहें कि हमें साइंस का कुछ नहीं पता है। बहरहाल सवाल ये बताने का मकसद ये है कि साइंस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। यस साइंस इज ग्रेट, हम भी साइंस की चीजें यूज करते हैं, हम साइंस के खिलाफ नहीं है, हम लडाइट्स नहीं है, बट साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इसको यहीं तक रखो और ये प्रोग्रेस कर रही है। वही अल्लाह रसूल की बातें जो क्रिएटर हमें बता रहा है, इट इज वे अबव साइंस, साइंस में कैच अप टू देम। मिराज के सफर को उस दौर में चैलेंज किया गया, आज फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटिविटी ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट भी है, टाइम कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट भी है, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट भी है, ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी है, ब्लैक होल में इवेंट होराइजन का कॉन्सेप्ट भी है कि आप इवेंट होराइजन पे चले जाएं तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं, इंटरस्टेलर एक मूवी इस पर बनी। क्या 1500 साल पहले ये कॉन्सेप्ट्स थे इवेंट होराइजन के और ये सारे टाइम कॉन्टिन्यूम के? अल्लाह के नबी तो उस दौर में मिराज का सफर जो है वो करके आ रहे हैं और टाइम ट्रेवल करके आ रहे हैं। आज पॉसिबिलिटी तो साइंस हमें बता रही है ना कि ऐसा हो सकता है, तो एरोगेंस किस चीज की? क्या पता 1500 साल बाद, 1000 साल बाद वॉर्म होल्स और पोर्टल्स और ये सारी चीजों और क्वांटम मैकेनिक्स इस पीक पर पहुंच जाए कि आपको बरजख की बातें समझ आने लगे, आपको जो ये बातें समझ आने लगे कि जन्नत और जहन्नम लिटरली साइंटिफिकली एग्जिस्ट करते। लेकिन नहीं, याद रखें हमें अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, हम साइंस का इंतजार नहीं कर रहे कि हाँ साइंस साबित करेगी तो मैं मानूंगा, नहीं। हम कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व रसूली, हम कहते हैं वो जो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था जब अबू जहल ने कहा कि क्या तू मानेगा अगर मैं कहूं कि एक रात में एक बंदा मक्का से जेरूसलम भी हो यार, आसमानों की सैर भी कर रहा है घोड़े पे बैठ के। अबू बकर सिद्दीक ने कहा वो शख्स कौन है? अबू जहल ने कहा तुम्हारा कंपेनियन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये मैं तो ये भी मानता हूँ कि जिब्राइल आता है सातवें आसमान से उन पर वही लेके और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे बातें करता है, मैं तो ये भी मानता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि वो एक रात में मक्का से जेरूसलम चलेंगे। दिस इज द ईमान वी वॉन्ट इन दिस एज, जब हर तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बहरहाल ये एक और बहस है स्पिरिचुअलिटी की। इन शॉर्ट टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बस हम खत्म करते हैं टॉक को। इफेक्ट क्या हो रहा है यूथ में? नंबर वन, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज बीइंग वीकेंड एंड रिमूव फ्रॉम माइंड्स ऑफ पीपल। हम लोग बहुत तेजी के साथ खोखले होते जा रहे हैं, खुदा से हमारा ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जा रहा है, और अगर ताल्लुक है भी तो वो सिर्फ इतना है जितना एक हिंदू का अपने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से ताल्लुक है कि लाइफ मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारनी है। हाँ, गॉड के पास मैंने माथा टेकने तब जाना है जब मुझ पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या मुझे कोई जॉब चाहिए होगी, या मुझे कोई पैसे चाहिए होंगे, या मुझे कोई औलाद चाहिए होगी वगैरह वगैरह, तब मैं जाऊंगा थोड़े पैसे रखूंगा उसमें बॉक्स में, वो जो भगवान का मंदिर है वहां जाके माथा टेकूंगा और मुझे चीजें मिल जाएंगी। यही सेम कॉन्सेप्ट मुसलमानों का बनता जा रहा है कि अल्लाह ताला के पास तब जाएंगे जब कुछ चाहिए हो, अदरवाइज नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है और स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है और अल्लाह की मानने की क्या जरूरत है। पहला इफेक्ट ये हुआ इसका। दूसरा इफेक्ट, पीपल फील शेम इन टॉकिंग अबाउट गॉड। लिटरली हम लोग इस्लाम पर अमल करते हुए शर्म खाते हैं, और क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें लगता है यार ये मौलवी फारिग से लोग हैं, ये जाहिर है ना इन्होंने साइंस पढ़ी है, ना ये लॉजिक से बात करते हैं, इमोशनल है ना ये, क्रिटिकल थिंकर्स हैं। एक हद तक तो बात मैं मानता हूँ, क्योंकि जाहिर है मदारिस में जो लोग मौलवी बनने आ रहे हैं, आप ये भी तो देखो ना किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन बिचारों के हालात क्या हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, वो कौन से बच्चे मदारिस में स्कॉलर्स बनने आ रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं जाते? अगर आपको इतनी शिकायत है कि मजहबी लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो आप मजहब क्यों नहीं पढ़ते? आप क्यों नहीं मजहब पढ़ के स्कॉलर बन जाते? आप क्यों नहीं दीन की बात करने लगते? आप तो बहुत पढ़े लिखे ना, तो हम उनको तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आर वी एक्चुअली, क्या हम कोई शमा जला रहे हैं? क्या हम पढ़ा लिखा होने के बावजूद मजहब की कोई बात कर रहे हैं? फिर
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट पड़ा वो है अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत से दूर, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस एंड रिपेंटेंस कम्प्लीटली शेकन। किसी दौर में हमारे माशरे में एक कॉन्सेप्ट होता था गुनाह का, लोग डरते थे कि यार खातून आ गई है, नजरें झुका लो, ये गुनाह का काम है। लोग आपस में मजाक कर रहे होते थे, एकदम औरत आती थी तो चुप कर जाते थे हम। मुझे अभी तक याद है जीकी में कि गंदी बातें छोड़ दो यार, वो लड़की आ गई तो उसके सामने बात ना करो। गुनाह समझा जाता था इन कामों को, ड्रग्स को, पोर्न देखने को, जाहिर है इन गंदी चीजों को, कोई मूवी में सीन आता था नजरें झुकाई जाती थी, गुनाह का काम है, झूठ बोलना गुनाह का काम। अब ये सारी चीजें ऐसी रिवर्स हुई हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो जाहिर है कि चीजें हम इतना सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज हुए कि गुनाह का जो है ना वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। एक दौर में समझा जाता था कि यार ऐसे कपड़े नहीं पहनने, गुनाह का काम है, ऐसी बात नहीं करनी, गुनाह का काम है। अब वो गुनाह का कॉन्सेप्ट साइड पे है। रिपेंटेंस, अल्लाह ताला से तौबा करना, अल्लाह ताला के पास जाना, अल्लाह से बात करना, अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होना, वो जो स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें थी जो हमने बुजुर्गों से सुनी हुई है, वो चीज इस वक्त बहुत रेयर है। बहुत रेयर यूथ है जो अपनी यंग एज में रिपेंटेंस करती है या सिंस को सिंस समझती है। बाद में जब उन्हें बहुत बड़ी कोई ठोकर लगती है जिंदगी में, तब उन्हें कुछ बातें समझ आती हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो बहुत डिजास्ट्रस इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे आया, अनफॉर्चुनेटली कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि घरों का माहौल बहुत ट्रेडिशनल और स्ट्रिक्टली रिलीजियस है, हमारे बड़े थोड़ी सी पुरानी सोच के कायल हैं, और हमारे जो यंगस्टर यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं वो फेमिनिज्म की डोज भी ले रहे हैं, वो लिबरलिज्म की डोज भी ले रहे हैं, वो मजहब के बारे में बहुत सी बातें भी सुन रहे हैं, मजहब के बारे में मजका खेजें चीजें भी सुन रहे हैं, उनके सामने TLP जैसी जमातें भी हैं, उनके सामने वो बप्पा जैसे लोग भी हैं जो मतलब केले को खाना सिखाते हैं और जो ये कहते हैं कि अगर आप ऑपोजिट जेंडर की जूती पहन लें तो आप गुनाहगार हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें उन्हें दिखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें मजहब से मुतनफर किया जाता है। जब वो घर आते हैं तो उनके दादा दादी माँ बाप बहुत ट्रेडिशनल हैं, उन्हें एक ट्रेडिशनल बहू चाहिए, उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए, बेटी चाहिए जो नमाजी है, जो बहुत हया वाली है, वगैरह वगैरह। और ऑन दी अदर हैंड हमारा जो मूवीज और टीवी सीरीज बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो एक अलग स्टोरी है। तो इतनी बड़ी खिचड़ी पक चुकी है कि हमारा यंगस्टर डिप्रेशन में है कि मैं करूँ क्या भाई, मजहब है क्या, मुझे बताओ तो सही कि मैंने करना क्या है। आपकी बातें जब सुनता हूं तो एक्सट्रीमिस्ट लगती हैं, दूसरे की जब बात सुनता हूं तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, और दुनिया ही दुनिया है, खुदा का वजूद तो है ही नहीं, और जो करना है इस दुनिया में ही करना है और खा ले पी ले जीले वाली फिलॉसफी पे चलना है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं। टाइम डजंट अलाउ मी, मैं बहुत एक बैलेंस्ड ओपिनियन के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि दोनों साइड्स में क्या मसले हैं और दोनों साइड्स कैसे आपस में जो है वो एक मॉडरेट उस पर आ सकती है। बहुत सी सोसाइटीज पास्ट में गुजरी हैं जहां पर हारमनी थी, को एग्जिस्टेंस थी, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा याद रखें। एक टिप आपको बस देता हूँ, ये कब पॉसिबल होगा, नो मैटर व्हाट यू डू, जिंदगी में जो मर्जी आप करें, लेफ्टिस्ट बन जाए, राइटिस्ट बन जाए, लिबरल बनना है लिबरल बन जाए, एथियस्ट बनना है एथियस्ट बन जाए, रिलीजियस बनना है रिलीजियस बन जाए, लेकिन एक बात याद रखें, बी जस्ट, जस्टिस का एलिमेंट कभी नहीं छोड़ना। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इंसाफ पसंद आदमी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट होता है, वो बायस्ड नहीं होता है, वो बंदा नफरत करने वाला नहीं होता है कि मजहब की नफरत में मैं मजहब को रिजेक्ट करूंगा, ये बायसनेस है। वो बंदा इमोशंस की बेसिस पे अपने फैसले नहीं करता। खुदा की कसम मेजोरिटी एथियस्ट जिनसे मैंने बात की है वो इमोशनल मसला उनका, इंटेलेक्चुअल मसला है ही नहीं, या उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ गई है, या 5 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ था और नाउ दे हैव वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट गॉड, सीधी सी बात है, या उनकी किसी मदर फादर की डेथ हो गई थी, या कोई जिंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। खुदा की कसम मेजॉरिटी मसले इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। आप लोगों ने जो बनना है बनो, लेकिन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहो, सर सारी चीजें पढ़ो, उनको सामने रखो, ह्यूमैनिटी का बिगर फायदा सामने रखो कि ह्यूमैनिटी को बिगर फायदा कैसे हो रहा है, मुझे बिगर फायदा कैसे हो रहा है। और बस एक आखिरी चीजें मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, लकद जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैही मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम में से है, बशर है, अजीजुन अलैही मा अनितुम, उसको गम होता है जब तुम
ठोकर खाते हो, जब तुम पे कोई मुश्किल आती है उसको गम होता है। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए बहुत कंसर्न है, वो इंसानियत के लिए बहुत कंसर्न है। रऊफुर रहीम, रऊफ है, रहीम है। क्या ऐसे शख्स को आप इग्नोर कर देंगे जिसने हमें वो पते पते की बातें बताई हैं, लाइफस्टाइल बताया है, हलाल और हराम बताया, इवन वॉशरूम में जाने का तरीका बताया, सोने का तरीका बताया, हेल्दी डाइट बताई है, अपनी सुन्नाज बताई हैं, जो क्यामत वाले दिन उम्मती उम्मती करके रोएगा और आपको याद करेगा, जो हौज़े कौसर पे बैठा होगा और जिसके जब आप प्यासे होंगे क्यामत वाले दिन जो आपको पानी पिलाएगा, क्या ऐसे शख्स को आप साइड पर कर देंगे? इलामा इकबाल के एक शेर से एंड करता हूँ। इलामा इकबाल रहीमुल्लाह का एक शेर है जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि तुम खुदा का इनकार तो कर सकते हो क्योंकि तुमने खुदा को देखा नहीं है, लेकिन तुम मोहम्मद का इनकार कैसे कर सकते हो? अल्लाह अकबर। मेरा एक दोस्त था, यूके गया, इंस्पायर हुआ वहाँ पे कुछ आइडियोलॉजी से जाके, ही केम बैक एज एन एथियस्ट। मैंने उससे कहा मान लेते हैं खुदा नहीं है, क्या मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे? उन्होंने कहा हाँ करते थे। मैंने कहा कैसे पता है? ही सेड उनकी कब्र है मदीना में, हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, पीपल हु हैव मेट हिम, उन्होंने अकाउंट दिया, तो हिस्ट्री से प्रूव हो रहा है मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे। तो मैंने कहा क्या उन्होंने झूठ बोला है मोहम्मद? दैट्स द क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम व्हेन आई लुक्ड एट हिम इनटू हिज आईज, और लिटरली ही वाज शेकन बाय दिस क्वेश्चन। ये एक अलग बात है कि इसकी भी बड़ी इंटरप्रिटेशन आगे होती हैं, लेकिन खुदा के लिए अपने आप से दिल से पूछें क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या वो हमसे सबसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है? क्या उन्होंने हमें हमारे फायदे की बातें नहीं बताई हैं? क्या वो हमारे लिए रऊफ और रहीम नहीं है? और अगर वो रऊफ और रहीम है तो सोचें उनका खालिक अल्लाह, क्या वो हमारे फायदे की बात नहीं बताता? तो इसलिए माय डियर यूथ, यू गाइस रियली नीड टू यू नो स्टडी एवरीथिंग इंटेलेक्चुअली। कुछ भी बनना है बनो, किसी भी मजहब को फॉलो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखो कि ऑनेस्टी के साथ सामने रखो चीज़ों को, देखो चीजों को परखो, लॉजिकली देखो, क्रिटिकली एनालाइज करो, लेकिन बायसनेस के साथ नहीं, इमोशंस के साथ नहीं। ठीक है, ये मेरी एडवाइस है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हिदायत, हम सबको हिदायत पे रखे, हमें ट्रुथ दिखाए। हम सच की जुस्तजू में, हम में से बहुत से लोग, हो सकता है कि हम में से कोई किसी मजहब का कायल हो, हम में से कोई किसी आइडियोलॉजी का कायल हो, सारे मुतलाशी हैं। Everyone is trying to find out the answers. Everyone is trying to seek out the truth. तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इस सच की जुस्तजू में सिर्फ एक बार ये मान लें कि चलो गॉड है, गॉड के सामने झुकें और कहें शो मी द ट्रुथ। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू से, घुटने टेक के शो मी द ट्रुथ, मुझे ट्रुथ पे चलाएं। और हम तो ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में करते हैं, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। So this is the crux, के intellectual honest बनते हुए, unbiased बनते हुए चीज़ों को इंशाल्लाह आप देखें। तो let's see where you reach. This is what my message to all of you is. Jazakallah khair for listening. Now the floor is open for question. Thank you for listening. Again, I end with the dua. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to share the screen ताकि हम Q&A की तरफ आ सकें और आप सवाल कर सकते हैं जिसने भी करना। थैंक यू सो मच अली भाई आपके टाइम का। इस वक्त ऑडियंस में शिवा राम हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी शिवा राम। जी जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मीटिंग सारी मैंने सुनी बड़े गौर से, तो मैं ये कह रहा था कि आप रिलीजन और एथियस्ट और साइंस के मतलब बता रहे थे काफी, तो क्वेश्चन मेरा याद ये था कि जब रिलीजन के बारे में एथिस्ट या कोई दूसरा बंदा बात करता है तो एक रिलीजियस पर्सन को इतना गुस्सा क्यों आता है कि वो उसे कत्ल करने पे या मतलब के उसके अगेंस्ट हो जाता है इतना, हालांकि रिलीजन में अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, मैं सवाल समझ गया आपका शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया। मसले हैं, मैं तो शुरू में एग्री कर गया था ना कि राइटिस्ट पे भी एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, मजहब टॉलरेंस सिखाता है और गुस्से नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये भी देखो ना, हमें हुक्म है हमारे कुरान में कि अगर कोई बहुत मजाक उड़ाने पे आ जाए ना, फिर ये इंसानी फितरत है कि दुख तो होता है, हर एक के जज्बात होते हैं मजहब के साथ, मजहबी पर्सनैलिटीज के साथ,
मैंने बहुत से एथियस्ट के साथ बात की है ना, तो मुझे दो तरह के एथियस्ट नजर आते हैं पाकिस्तान में और ओवरऑल द वर्ल्ड। एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है जो वाकई सवाल की खोज में है, और जिनको कोई मसला आया दीन से, मजहब से, उन्होंने देखा यार ये चीज बड़ी अजीब है, बड़ी गलत है, साइंस के खिलाफ जा रही है, तो वो सवाल करने आते हैं, वो जरा बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। तो गुस्से नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उनको एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन आप ये मानो कि दूसरे टाइप के भी हैं, और वो मजहब में भी हैं, वो मजहबी लोगों में भी हैं, जो तमीज के दायरे से निकल के और एथिक्स की हर हद को पार करते हुए सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। वो स्टार्ट ही बहुत ही कड़वे सवालों से करते हैं कि अगले को गुस्सा चढ़ाने वाली बात होती है, अगले को तीली लगाने वाली बात होती है, पिंचिंग करने वाली बात होती है। इस तरह बात कहीं नहीं पहुंचेगी। इवन दो मजहब में हमें ये हुक्म है कि हम उस बंदे पे भी गुस्से ना हो, बल्कि उससे क्या करें। सूरह फुरकान में इसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया, सूरह नंबर 25 है, कि जब तुम्हारा सामना ऐसे मुतकब्बिर लोगों से हो जो बात ही नहीं सुनना चाहते, तो तुम वहां से सलाम कह के उठ, पीस कह के उठ जाओ, लड़ना नहीं है वहां भी। ओके, तो कत्ल तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो बहुत ही आगे का लेवल है कि लोग कत्ल कर देते हैं। तो जाहिर है देखो, लोगों के डिफरेंट इमोशंस हैं, और जो लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते वो कत्ल तक भी आ जाते हैं। तो तालीम देनी चाहिए ना, टॉलरेंस की तालीम देनी चाहिए, और हमें रिलीजन के सारे अहकाम को सामने रखते हुए जो है अपना रवैया अपनाना चाहिए। हमारे दीन ने बड़े खुल के जो है वो एक एक चीज वाजे की है कि किसके साथ कैसे डील करना है। इन शॉर्ट आपका आंसर ये है कि गुस्से नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बहुत ही बदतमीजी पे उतर आया और आपके इमोशंस बहुत हर्ट कर रहे हैं, तो वहां से बस सलाम कह के उठ जाना चाहिए, उस बंदे को इतना एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच अली भाई। इस वक्त मोहम्मद सलमान सर सवाल करना चाह रहे हैं। सर तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, तो मैं ये कहना चाहता था कि जो ये नारा एक बना हुआ है, स्पेशली इस्लाम में कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, तो ये सर किस हद तक ठीक है और गलत है? वही बात है ना शिवा, कि हमने ये देखना है कि इस्लामी सोर्सेज से हम तक क्या बात पहुंच रही है। पहली तो बात है गुस्ताखे रसूल है कौन और इसको डिसाइड कौन करेगा। हर मुल्क में, हर कंट्री में जाहिर है कि एक नॉर्म होता है, एक एथिक होता है, एक रूल होता है कि आप किसके बारे में किस हद तक बात कर सकते हैं और किस पर्सनालिटी के बारे में क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मलका बरतानिया को खुलेआम रोड पे गालियां देना शुरू कर देंगे और मलका बरतानिया के खिलाफ एक चैनल बना लेंगे, तो जाहिर है कि एक हद तक ही अलाउ करेगी ना गवर्नमेंट। अगर आप बहुत ही गंदी बातें करने लग जाएंगे उनके बारे में, बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे उनके बारे में, तो आपको चैलेंज किया जाएगा। आप स्टेट के, स्टेट में रहते हुए आप स्टेट के बागी बन जाए तो क्या उसकी सजा कत्ल नहीं है? क्या अमेरिका जो है वो म्यूटनी की सजा कत्ल नहीं देता है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं देता है? क्या वो इस वक्त स्नोडन को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने स्टेट के सीक्रेट्स को आउट किया है? दुनिया में असल में सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कुछ पनिशमेंट्स होती हैं। सिमिलरली दीन में ये पनिशमेंट तो है कि अल्लाह रसूल जो है वो पीक है, वो सबसे डिवाइन जो है वो एंटिटीज है अल्लाह सुभानहू व तआला, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिस्पेक्ट है, लोगों के जज्बात है। तो इसलिए ये चीज पे तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये उलमा बेहतर बताएंगे कि जो गुस्ताखी असल में गुस्ताखी कर रहा है उसकी सजा कत्ल है, किस तरह है, वो केस कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कोर्ट तक बात जाएगी, काजी क्या क्या फैक्टर सामने रखेगा, देखेगा कि इसने किस नोयत में बात की है, इसकी इंटेंशन क्या है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। गलती तब होती है जब एक बंदा लॉ अपने हाथ में ले लेता है और जाकर गोली मार आता है किसी को, ये चाहे कोई कादियानी को गोली मार रहा है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम को मार रहा है, चाहे कोई किसी को गुस्ताख कह के मार रहा है, ये गलत है और इस पर बहस ही कोई नहीं है। इसीलिए देखना मुमताज कादरी को फांसी क्यों दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बहस यही है कि उन्होंने लॉ अपने हाथ में लिया था। तो ये चीज बिल्कुल मना है कि लॉ को अपने हाथ में ले लेना, ये चीज कोर्ट पर और काजी पर छोड़नी चाहिए कि असल में गुस्ताख है कौन और सरकमस्टांसेस क्या है। इस्लामिक शरिया में ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जाती, और ना ही इस्लाम लोगों को कत्ल कराने आया है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि अगर तो ये बंदा मतलब टोटली मिस इन्फॉर्म्ड है इस्लाम के बारे में, इसने तो मजहब पढ़ा ही कभी नहीं है, तो पहले उसको दावा किया जाएगा, उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, उनकी ब्यूटीफुल टीचिंग्स बताई जाएंगी, उनसे सवाल किया जाएगा कि आप इतने खूबसूरत इंसान पे इल्जामात कैसे लगा रहे। तो दावा कम्स फर्स्ट, उनसे उनकी काउंसलिंग कम्स फर्स्ट,
इसके बाद ये सारी चीजें आती हैं, सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, ठीक है? ये आपका जवाब है। टाइम जरा शॉर्ट है, मेरे ख्याल हम और सवाल भी ले लें। जी मोहम्मद सलमान, आप सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था कि सर जो भी हमारे पास अल्लाह ताला के या हजरत मोहम्मद सल्लम के जरिए जो भी अहकामात आए हैं वो किताब कुरान पाक के जरिए हम तक पहुंचे हैं, लेकिन सर जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं 80% जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं सिर्फ उसको सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, मतलब कि जो अरेबिक है वो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी ट्रांसलेशन हमें कुछ समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, और फिर हम सोशलिज्म या लिबरलिज्म इस तरह इन जगहों पे निकल जाते हैं क्योंकि हमें अपने दीन की समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, या हम पता भी करते किसी आलिम से या किसी से या बहुत से लोग मशवरा लेना चाहिए कि, तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसका शॉर्ट आंसर यही है कि आप वही करो जो मैंने किया था, कि मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था। मैं एक दीनदार फैमिली से नहीं हूँ, मेरे अब्बू एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड है, सिविल सर्वेंट रिटायर्ड है, मेरी वालदा जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से प्रोफेसर रिटायर्ड है। हमारे घर का माहौल वही जैसे एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट का माहौल होता है, नमाजें पढ़ते हैं माशाल्लाह, दीन की कुछ समय रखते हैं, लेकिन मैं कोई उलमा के फैमिली से नहीं हूँ या मैं कोई बहुत दीनदार फैमिली से नहीं हूँ जहाँ दीन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता हो। तो मैंने ये किया था कि मैंने दीन को खुद पढ़ना शुरू किया था, कुरान को खुद अंडरस्टैंड करना शुरू किया था, एक जस्तजू की थी, अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे हक दिखाएं। तो मसले तो बहुत हैं, देखो वही चाइनीज प्रोवर्ब है ना कि बेटर टू लाइट वन स्मॉल कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। डार्कनेस तो हर जगह है, मसले तो हर जगह है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सवाल ये, हम ये कर सकते हैं कि हम मजहब को दीन को जरा समझने की कोशिश करें, कुरान को समझें, कुरान को समझ के फैमिली वालों को समझाएं, फैमिली वालों के साथ दोस्तों को समझाएं, इस दावा को आगे करें इंशाल्लाह, ताकि हमारी सोसाइटी में जो टॉलरेंस, मच नीडेड पीस और टॉलरेंस, और जाहिर है कि एक जो ब्रिज बना हुआ है, एक जो गैप बना हुआ है दोनों के दरमियान, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, वो जरा ब्रिज हो, फासले जरा कम हो और नरमी आए, और जाहिर है कि लोग समझना शुरू करें एक दूसरे को। तो पहली बात कि आप जो है ना वो मजहब को पढ़ना शुरू करें, इन द इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन। लेकिन ये बात याद रखें कि कुछ चीज़ें उलमा की रहनुमाई आपको लेनी पड़ेगी कुछ चीज़ों में, लेकिन अच्छे स्कॉलर्स के पास जाएं ना जो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है, चूज कर लें अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, कि मैंने किससे पढ़ना है, किससे पूछना है। बहुत अच्छे अच्छे उलमा मौजूद हैं, ठीक है? तो उलमा की रहनुमाई भी ज़रूरी है, उनको हम इक्वेशन से आउट नहीं कर सकते, खुद भी पढ़ें और उलमा की रहनुमाई भी लें। ठीक है सर, शुक्रिया सर। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, नोवा दी रिकॉर्डिंग। आमिर हुसैन कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि आपने प्रॉब्लम्स की बात की है, सोल्यूशन क्या है? देखो एंड में मैंने सोल्यूशन बहुत वाजे बताया है कि पढ़ना शुरू करो, नॉलेज इज द सोल्यूशन। ये क्या सराइयों में मत लगे, बुक्स की तरफ जाए, नॉलेज की तरफ जाए, सोर्स की तरफ जाए, पढ़ें, मजहब को भी पढ़ें, देखें अहदीस को देखें। ये मैंने सोल्यूशन आपको बताया, हर जहालत का सलूशन नॉलेज होता है, नॉलेज गेन करना। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में कौन से लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं? सपोज सर, एक शेख अब्दुल कादर जिलानी के बारे में लोग कोट करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद मतलब कि जहन्नम में नहीं जाएगा, शेख अब्दुल कादर जिलानी के बारे में। और दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद सल्लम, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा तो फरमाते हैं कि बीबी फातिमा ज़हरा आप मेरी वजह से जन्नत में नहीं जाएंगी, आप अपने अमाल की वजह से जन्नत में जाएंगी। सर ये थोड़ा एलैबोरेट कर। जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जो जाहिर है कि नॉलेज की बजाय क्या सराइयों पे और रवायात पे और अपने बुजुर्गान की कंप्लीट ब्लाइंड फॉलोइंग पे बिलीफ रखते हैं। उसके पीछे उनकी इंटेंशन जो है ना वो अकीदत होती है। हम इतना ज्यादा क्या उन बिचारों को बुरा भला कहें, असल में उनकी नीयत समझें क्या, उनकी नीयत है अकीदत।
अब उनके लिए अब्दुल कादिर जिलानी एक इंतहाई जो है वो कह लें कि बहुत ही जबरदस्त स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, तो वो अकीदत में उनकी किसी बात को, किसी कोर्ट को, किसी रवायत को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये समझाना चाहिए कि अकीदत अपनी जगह, हम बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं उनकी सर्विसेज को, लेकिन खुदा के लिए हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है, हम तो हदीस को फॉलो हमें करना चाहिए ना, तो हदीस हमें क्या बता रही है और आप किस बिलीफ के कायल हैं, तो अपने अमाल को ज़रा एक नज़र दौड़ाएं अपने अमाल पे, अपने बिलीफ्स पे, और ज़रा अपने ऊपर रहम करते हुए चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। असल में वही बात है, देखो हर चीज़ का जो सलूशन है ना वो नॉलेज है। आप लोगों को इल्म की तरफ लाएं, नॉलेज की तरफ लाएं, और किसी ना किसी तरह उन्हें शायरी के थ्रू, किसी शेर के थ्रू, बहुत से पंजाबी शेर हैं, डिपेंड करता है आप किससे बात करें, जिससे आप तौहीद साबित कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो ये साबित कर सकते हैं कि इनसे क्या मांगना, मांगना तो अल्लाह की ज़ात से होता है, और ये लोग तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला कहता है ना कि सिफारिश उसी की कबूल होगी जिसको अल्लाह इजाज़त देगा। तो ये बदअमली जो फैल रही है हमारे माशरे में कि हम लोग जो है वो ये समझते हैं कि हम जो मर्जी किए जाएँ और पीर और ये सारे लोग हमें बख्शवा देंगे, इसकी बड़े ना आपको हिकमत के साथ, नरमी के साथ उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा उनमें सेंस डालनी पड़ेगी और उन्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन बाय फसीहुर रहमान, आपका क्या सवाल है आप पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे अभी बताया कि स्कॉलर्स की गाइडेंस लेना जरूरी है, तो अब इसमें भी लोगों में आपस में इख्तलाफ आ जाता है कि ये स्कॉलर सही है या ये स्कॉलर सही है। जैसे मूरू की एक वीडियो पे आप लोगों का, यूथ क्लब का ही क्रिटिक आया था, तो उसमें गामदी के ऊपर आप लोगों ने कहा था कि ये एक वैलिड स्कॉलर नहीं है। अब देखा जाए तो मूरू ने तो वैसे ही डिस्कशन की है ना, वैसे ही समझने की कोशिश की है इस्लाम को एक स्कॉलर के थ्रू, लेकिन अब उस पर भी एतराज आ रहा है कि एक स्कॉलर नहीं रिलायबल, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली बात, एक चीज ये समझ लें कि यूथ क्लब में डिफरेंट स्पीकर्स हैं और हमारे यहाँ माशाल्लाह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और टॉलरेंस बहुत एग्जिस्ट करती है, तो जस्ट बिकॉज एक स्पीकर का या दो स्पीकर्स का एक व्यू है, इसका ये मतलब नहीं कि सब स्पीकर्स का यही व्यू है। ठीक है, पहली बात ये, उन्होंने अपनी पर्सनल राय दी है स्पीकर ने कि हम मूरू से डिसएग्री करते हैं और हम जावेद अहमद गामदी साहब के नैरेटिव से डिसएग्री करते हैं, और उन्होंने उसको एक तरीके से पेश करना जो है वो उसकी कोशिश की है। जहाँ तक जावेद गामदी या किसी भी और स्कॉलर की बात है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ये लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लोग अपनी अपनी डोमेन में कोशिश कर रहे हैं दीन की इंटरप्रेशन करने की। बात असल में पता है क्या है, बात वहीं पर आती है, देखो कि ईदी सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला पर हम डिपेंडेंट हैं, सबसे पहले इखलास के साथ झुकें अल्लाह के सामने और अल्लाह कहें कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में आयत नंबर 69 में कहते हैं कि जो कोई भी हमारे रास्ते में जिदोजहद करेगा तो हम उसको रास्ता दिखाएंगे। असल में मसला ये कि हम अल्लाह को इक्वेशन से आउट कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और हम बहुत ज़्यादा लोगों पर रिलाई करने लगते हैं। मैं अगर पर्सनल जर्नी आपसे शेयर करूँ, यकीन करें 13 साल से मैं माशाल्लाह इस तरफ हूँ, इस साइड पर। अब जब मैं 13 साल की जिंदगी अपनी देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस आलिम से कैसे मिलवाया, इन लोगों से कैसे मिलवाया, कैसे हालात पैदा किए कि मैं ये किताब पढ़ने लग गया, कैसे हालात पैदा किए कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे सामने ये वीडियो आ गई, फलानी चीज आ गई, ये अल्लाह के करने होते हैं। आप नीयत खालिस रखें, नीयत खालिस रखते हुए हर आलिम की इज्जत करें, उनके पास जाएं, उनसे गुफ्तगू करें, जिस आलिम के आपको मैनर्स अच्छे लगें, जिस आलिम का आपको बात अच्छी लगे, मॉडरेट लगे और इस्लामी उसूलों के मुताबिक लगे, यानी कुरान और हदीस वो कोट कर रहे हैं और जाहिर है कि कंसेंसस जो इजमा है एक उम्मत का, उस इजमा के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो वही चीज लेने में सेफ, सबसे सेफ्टी वही चीज लेने में। अब जहां तक मोरू ने वीडियो बनाई, उसने एवोल्यूशन की बात की, उस पर हमारे स्पीकर्स ने एक काउंटर नैरेटिव दिया, तो वो एक इख्तलाफ है मोरू से, क्योंकि मोरू ने सारे की सारी जो चीज दी वो गामदी साहब का एक व्यू दिया और गामदी साहब का व्यू एक व्यू है, उस व्यू पे इख्तलाफ भी किया जा सकता है। उस व्यू को अगर कोई एक्सेप्ट करना चाहे तो वो ये देखकर एक्सेप्ट करे कि कहीं ये व्यू कंसेंसस के खिलाफ तो नहीं जा रहा है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज गिफ्ट की है, वो है इजमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को गलत चीज पर इजमा नहीं करेगा, जमा नहीं करेगा गलत चीज पर।
इजमा से मुराद है कि तमाम मकातिब फिक्र, और इजमा से मुराद है कि तमाम स्कूल ऑफ थॉट के स्कॉलर एक चीज पर जब मुत्तफिक हो जाते हैं उन चीजों पर आप ज्यादा गौर करें। मिसाल के तौर पे कोई स्कॉलर ये नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, दुनिया का कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं कह सकता कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, दुनिया का कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं कह सकता कि आखिरत नहीं आएगी, दुनिया का कोई स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं कह सकता कि सूरह हुजरात के अहकाम ना अमल करो, यानी बैक बाइटिंग ना करो और टो में ना लगो और बदगुमानियां ना करते फिरो। दुनिया का कोई भी मजहब इन चीजों पे और कोई भी स्कूल ऑफ थॉट इन चीजों पे डिसएग्री कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वैल्यूज को ले, इख्तलाफी मसाइल बाद के, एवोल्यूशन है, हजरत आदम का किस्सा है, फिकी इश्यूज है, नमाज पढ़ने का तरीका है, वो सेकेंडरी है। पहले अपनी रूह पर तो काम करो ना, स्पिरिचुअल तो हो जाओ। जब स्पिरिचुअल हो गए मुस्तकीम दिल से निकलेगा तो अल्लाह ताला रास्ते दिखाएगा, अल्लाह ताला अच्छे उलमा से भी आपको मिलाएगा, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा, आपको चीजें इंशाल्लाह सही से नजर आने लगेंगी। सबसे पहला स्टेप है रूहानियत। हम रूहानी नहीं होते और हम बहसों में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, और फिर जब दिल सख्त होते हैं तो इंसान जाहिर है कि वो इबादत की बजाय, असल काम तो अल्लाह की इबादत है, हम तो अल्लाह की इबादत करने आए, हमें तो जहनी सुकून चाहिए अल्लाह के जिक्र से, लेकिन हम जब बहुत ज्यादा बहसों में लग जाते हैं तो फिर हम इस चीज से दूर हो जाते हैं और फिर हमारा जाहिर है कुछ नुकसान भी होता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये कि इस्लाम की वैल्यूज को पकड़ लें, ठीक है, और इख्तलाफी मसाइल को सुने, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हक पर पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू। यस ओम प्रकाश, आपका सवाल है। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू राइज माय क्वेश्चन। तो मेरा सवाल ये है कि आप बात करें कि मजहब की, कि हमें मजहब के बारे में पढ़ना चाहिए और इसकी बुक्स को, यू नो कि अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, मुझे नहीं पता कि वो मजहब को फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर उनको क्या जरूरत है कि वो इंसानियत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मतलब कि अभी आप देख लें, अगर हम हज करने के लिए जाते हैं खाना काबा, तो उधर हमें एयर कंडीशनर्स मिलते हैं, तो वो मजहबी लोगों ने तो नहीं बनाए ना, तो उन्होंने बनाए और उसकी वजह से हमें कंफर्ट फील होता है, तो उनको क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की। फ्री में बनाए, उनकी लाइफ में एसी फ्री में देते हैं वो, और आईफोन फ्री में मिलता है आपको। सर वो बात ये नहीं है कि वो फ्री में देते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत तो की, बहुत बड़ी खिदमत है ना इंसानियत के लिए। मैंने तो आईफोन 1.5 लाख का खरीदा, तो उनकी क्या सर्विस है इसमें। सर आई थिंक उसको बनाने के लिए भी जो मेहनत करनी पड़ती है वो बात है। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मेरी ना असल में बैटरी भी डेड हो रही, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, मैं क्विकली रिप्लाई कर देता हूँ। इब्ने आदम है ना, वो भी कुछ ना कुछ इंसानियत तो उनमें भी मौजूद है ना, चाहे मजहब के वो पैरोकार ना हो, एथियस्ट हो, जो भी हो, है तो इब्ने आदम। और इब्ने आदम में अल्लाह ताला ने बहुत सी खसलतें रखी हैं, बहुत सी फितरतन कुछ लोग नेक होते हैं। अबू बकर सिद्दीक फितरतन नेक थे, उमर फितरतन नेक थे, जस्ट थे, तो फितरतन बहुत से लोग नेक हो सकते हैं, इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इस्लाम ये कहता है कि तुम फितरतन नेक हो, तो तुम्हें जैसे फॉरेस्ट को गार्डन बना देता है ना एक माली, तो इस्लाम ये कह रहा है कि तुम्हें मजहब गार्डन बनाने आया, मजीद निखारने आया, और तुम्हारी बहुत से प्रॉब्लम्स का सलूशन है। एक ठीक है, एक तो इसका आंसर ये है, बैटरी डेड है, शायद मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, तो क्विकली आंसर कर रहा हूँ कि फितरतन बहुत से लोग नेक हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म को कभी स्टडी करें कि आज की साइंस और इन्वेंशन के पीछे जो मेन मोटिवेशन है वो पैसा है। अभी पैसा हटा दें, मैं देखता हूँ रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है कि नहीं खेलता, और वो आपके सामने आके जो है वो चैरिटी करता है कि नहीं करता है। अभी सोशल मीडिया को हटा दें, अभी जो है ये कैपिटलिज्म की गेम को और इंडस्ट्रीज को और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हटा दें, मैं देखता हूँ कौन एसी बनाता है। तो बड़ी ये लंबी बहस है, लेकिन हैविंग सेड इट, मैं इतना पेसिमिस्टिक व्यू नहीं देना चाहता। इंसानों में, साइंटिस्ट में भी फितरतन नेक लोग हो सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है कर रहे हैं। हमारा सिलेबस ये है कि हम उन्हें मजहब मुतारुफ कराएं, हम उन्हें खुदा का तारुफ कराएं। हो सकता है कि वो इससे 10 दर्जे और अच्छे हो जाए, अच्छे हैं, हो सकता है 10 दर्जे और अच्छे हो जाए, ठीक है, ये हमारा आर्गुमेंट है। टाइम अलाउ नहीं कर रहा और ना मजीद डिटेल में जाता। तो दुनिया में कुछ ऐसे कोने भी हैं जहां पर बिल्कुल भी मजहब, मतलब वहां पर हमारी रसाई भी नहीं है, लाइक दैट अमेज़न, तो उधर हम पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो फिर उन लोगों तक कैसे मजहब की रसाई होगी। और अगर उन लोगों तक अगर आप उनका इतना सोच रहे ना, तो खालिक उनसे आपसे इनफाइनाइट टाइम ज्यादा मोहब्बत करता है, तो
तो वो किसी को जहन्नम में बिला वजह नहीं डालेगा, ठीक है ना। हम तो इंसान है ना, हम इतना सोच रहे हैं, अमेजोन में कुछ जंगलों में रहने वाले लोग हैं, तो सोचे खालिक भी सोचता होगा। तो खालिक किसी को बिला वजह जहन्नम में नहीं डालेगा, क्रिमिनल्स के लिए जहन्नम बनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यामत वाले दिन अल्लाह कहता है अलैसा, अल्लाह ताला अपने आप को कहता है अहकमुल हाकिमीन, अलैसल्लाहु बिअहकमुल हाकिमीन, सूरह वतीन वज़ैतून की आयत है कि क्या अल्लाह हाकिमों का हाकिम नहीं है, क्या अल्लाह जस्टिस वालों में करने वाला सबसे बड़ा जस्ट नहीं है। बिल्कुल है। तो आप इंशाल्लाह अपना सिलेबस पूरा करें, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों को बात बताने की, बाकी अल्लाह ताला उनका ख्याल करेगा और अल्लाह ताला उनसे वैसे डील करेगा। अगर मैसेज नहीं पहुंचा तो अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन उनको वैसे डील करेगा, ये अल्लाह ताला के करने हैं। हमारा आर्गुमेंट ये है कि मजहब आपकी बहुत सी चीजें अच्छी हो सकती है। मैं वेस्टर्न सोसाइटी की बहुत सी चीजों से इंस्पायर्ड हूँ। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी, मैंने सोशोलॉजी भी पढ़ी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को कि वो बहुत काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे एक्सीलेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका एक और लेक्चर कभी मेरा रखें, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि इस्लाम ही क्यों, ठीक है। बाकी ये एक लंबी बहस है। तो हम वेस्ट को एक्नॉलेज करते हैं बहुत सी चीजों में, वहां भी इब्ने आदम ही है ना, वहां कोई और मखलूक तो नहीं रह रही। तो इब्ने आदम में कुछ ना कुछ टैलेंट तो है ना, कुछ इंसानियत तो है, फितरतन कुछ लोग नेक तो हैं। हमारा आर्गुमेंट ये है कि जो विल ड्यूरेंट का आर्गुमेंट था कि मजहब के बगैर वो मोटिवेशन रखना, अगर तो आप ये कहते हैं कि मजहब के बगैर भी इंसान सुपर डुपर मोटिवेटेड रहते हुए अच्छा रह सकता है, तो फिर ये वही वाला आर्गुमेंट है कि मैं एक कंपनी बनाऊं और उस कंपनी में मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि सारे खुद ब खुद अच्छे होंगे, ना उन्हें कोई मोटिवेशन की जरूरत है, ना किसी दर्स की जरूरत है, ना खुदा के वजूद की जरूरत है, ना कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, खुलेआम कैफे ओपन होंगे, बैंक खुलेआम ओपन होंगे, जो आएगा बैंक से जितने पैसे निकालना चाहता है जरूरत के निकाल के चला जाएगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई डाका नहीं होगा, एक यूटोपिया हो गया, सुपर डुपर सोसाइटी होगी, किसी लॉ की जरूरत नहीं है, किसी पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, सब अच्छे हैं, फितरतन नेक तरीन लोग हैं। तो ऐसा मॉडल आप रन करके दिखा दें मुझे, अपने घर में ही रन करके दिखा दें कि कोई रूल नहीं है, जिसने जब उठना है उठे, सारे अच्छे हैं, 100% सारे अच्छे हैं, नौकरानी जो घर में आ रही है वो भी कमाल है, उसके सामने जेवर भी रख दो, उसके सामने पैसे भी खुले रख दो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई तकवा, ना कोई खुदा, ना ही कोई पनिशमेंट, ना ही कोई उससे पूछने की जरूरत है कि तुमने मेरी चीज तो नहीं उठाई, क्योंकि वो फितरतन बहुत अच्छी है। तो ये किस तरह का आर्गुमेंट है? रिलीजन पनिशमेंट्स है, रिलीजन में सैंक्शन करता है, रिलीजन तकवा का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलीजन आपको फ्रेमवर्क देता है कि सोल पे वर्क कैसे करना है, इन सलाता तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर, रिलीजन रूहानियत देता है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन से कैसे बचना है, गुनाहों से कैसे बचना है। आप कैसे रिलीजन को साइड पे कर सकते हैं और एक सो कॉल्ड यूटोपियन सोसाइटी की मिसाल दे सकते हैं, नॉर्वेजियन सोसाइटी या फिनलैंड, उनके बहुत मसाइल हैं, आपकी सोच है, मैं खोलना नहीं चाहता। ये जो सोसाइटियां हमें बहुत परफेक्ट नजर आ रही हैं, ये सिर्फ उनका पैरामीटर क्या है परफेक्शन का, मादी पैरामीटर है, मटीरियलिज्म का पैरामीटर बना के उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स में दिखा दिया कि नंबर वन हैप्पी कंट्री स्वीडन है या डेनमार्क है या ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन थोड़ा सा पैरामीटर को खोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके भी कितने मसाइल है, ठीक है। ये कभी मेरा लेक्चर रखें वाई रिलीजन, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हम इस पर बहस करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सवालात, अल्लाह आपको मजीद अकल दे, अल्लाह मजीद कॉन्फिडेंस दे, ऐसे सवाल पूछा करो ताकि आपकी क्लियरेंस होती जाए, ठीक है। बहुत मैं यस सर, थैंक यू वेरी मच, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन बट आई थिंक शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से, तो ली भाई से ना मेरा नंबर भी ले लो, तो आई रियली अप्रिशिएट, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं अब बिल्कुल डेड हो रही है बैटरी, तो मैं जजाकअल्लाह अली भाई, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके एक सेक्शन रखेंगे जिसमें रावियंस आपसे मुस्तफीद होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत, अभी भी बहुत अच्छा सेशन रहे, तो वक्तन फवक्तन हम आपको तंग करते रहेंगे रावियंस और आपसे मुस्तफीद होंगे। सवालों को आप भी एंटरटेन किया करें, आपकी सोसाइटी भी एंटरटेन किया करें, और इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँ, जब कोई सवाल हो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी कर दें, आपके पास मेरा नंबर है, तो सवालों को जरूर एंटरटेन करें, लोग जानना चाहते हैं और हम सब टॉलरेंस पैदा करें उनके सवाल सुनने की, और बहस व मुबाहसा रिस्पेक्ट से हम करें इंशाल्लाह सर। जज़ाकअल्लाह, श्योर इंशाल्लाह इस चीज का ख्याल करेंगे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह जल्द आपसे अगेन
किसी सेशन में मुलाकात होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Admin, we should left or anything more else here? Meeting end ho chuki hai. Aap sabse darkhwast hai kindly ke meeting ko leave kar dein. Jazakallah. मोहम्मद नईम इस वक्त होस्ट हैं हमारी ऑडियंस में से ही, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को एंड कर दें एंड फॉर ऑल।